6 अप्रैल को करंट अफेयर में लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में न्यूज आई थी, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम क्यूज़ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। लंपी डिजीज़ के बहुत सारे क्यूज़ होंगे इसमें, बहुत सारे मतलब 10 क्यूज़ होंगे, तो आपको 10 पॉइंट आपको पता चलेंगे कि क्यूज़ के माध्यम से यदि हम कोई टॉपिक करते हैं तो वो टॉपिक हमारे माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यदि आपको और भी क्यूज़ सॉल्व करने 6 अप्रैल के, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमने अपलोड कर दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे क्यूज़। तो यदि आपने लंपी क्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, आपका रिवाइज होगा। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ आप जानते हैं, कुछ टाइम पहले क्या होता कि आपने देखा था गाय के बछड़ों के या गाय के पीठ पे ना गांठे से बन गई थी, तो उसे कहते हैं लंपी स्किन डिजीज़। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है लंपी डिजीज़? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो लंपी जो स्किन डिजीज़ है वो वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें पता चल गया ये वायरल इन्फेक्शन है, एक पॉइंट हमें पता चल गया, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज इज वायरल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द कैटल, जो कैटल को इन्फेक्ट करता है। इट इज़ कॉज बाय द वायरस फ्रॉम द कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस, ये कैप्रीपॉक्स करके वायरस है उससे आता है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय द फीवर, क्या होता है फीवर होता है, भूख मर जाती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स और लम्स, नोड्यूल्स का गांठ बन जाना स्किन पे होता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइटिंग इंसेक्ट, जो इंसेक्ट काटते हैं उनसे फैलता है, जैसे कि मॉस्किटो एंड टिक्स, टिक्स एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, उससे। और थ्रू जो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स का, उसके कॉन्टेक्ट में भी आएगा तो भी उस जानवर को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कहता है विच कॉन्टिनेंट हैज मोस्ट इफेक्टेड बाय द लंपी स्किन डिजीज, कौन सा कॉन्टिनेंट इफेक्ट हुआ था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका, कौन सा हुआ है तो देखते हैं हम लोग। अफ्रीका हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत में भी हुए थे। तो लंपी स्किन डिजीज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, वेयर इट इज़ मेजर कंसर्न फॉर द लाइव स्टॉक फार्मर, जो फार्मर का लाइव स्टॉक है उसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। द डिजीज हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप, तो एशिया में भी हुआ है, जैसे कि भारत में ही पाए गए थे कुछ केसेस, एंड देयर आर कंसर्न डैट इट कुड स्प्रेड टू अदर रीजन, और ये भी माना जाता है कि ये जो इन्फेक्शन डिजीज है ये फैलता है तो ये अदर रीजन में भी फैल सकता है। तो आपको दो पॉइंट पता चल गया। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ लंपी स्किन डिजीज, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट है। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, क्या मिल्क में कमी होगी प्रोडक्शन में, रिड्यूस मीट प्रोडक्शन, रिड्यूस हाइड इक्वालिटी और ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड का। तो क्वेश्चन थर्ड का है ऑल ऑफ द अबव, चारों तीनों इश्यू हो सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट ज़्यादा होगा इसका ऑन लाइव स्टॉक ऑफ फार्मर, फार्मर के लाइव स्टॉक पे। इन्फेक्टेड एनिमल में एक्सपीरियंस रिड्यूस मिल्क, मीट में कमी आएगी, दूध में कमी आएगी, मीट में कमी आएगी और उनके जो खाल बिकते हैं उसमें कमी आएगी। इन एडिशन द डिजीज कैन लीड टू एनिमल मोर्टेलिटी, जो ये डिजीज एनिमल को ख़त्म भी कर सकती है, विच कैन बी अ मेजर लॉस ऑफ फॉर द फार्मर, जो कि फार्मर के ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा लॉस होगा। क्वेश्चन फोर्थ कहता है हाउ इज द लंपी स्किन डिजीज ट्रीटेड, कैसे ट्रीट किया जाता है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर लंपी डिजीज, स्किन डिजीज कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन, एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन, वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है, चार ऑप्शन दिए, तो देखते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको फोर्थ पॉइंट पता चलेगा, चार पॉइंट्स में पता चलेगा इस आंसर के बाद कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर लंपी स्किन डिजीज, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इन्फेक्टेड एनिमल आर टिपिकली आइसोलेटेड एंड सपोर्टिव केयर इज प्रोवाइडेड हेल्प मैनेज देयर सिम्टम्स, इनके सिम्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनको आइसोलेट मतलब अलग करके रख दिया जाता है दूसरे जानवरों से, और उन्हें सपोर्टिव केयर मिलती है, मतलब उनकी केयर ज़्यादा होती है। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द डिजीज एंड ऑफन यूज इन द एरिया वेयर द डिजीज इज प्रीवेलेंट, ठीक है, जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है टू प्रिवेंट द डिजीज, जो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अवेलेबल है ना, और जो क्या है कि आर ऑफन यूज इन द एरिया वेयर द डिजीज इज प्रीवेलेंट, और ये जहाँ वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे वो ज़्यादा प्रचलित ज़्यादा मतलब फैल रहे हैं वहाँ पे यूज होता है उसके वैक्सीन का, तो रोकने के लिए वैक्सीन है मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। What measures can be taken to prevent the spread of lumpy skin disease? क्या prevent, क्या measures है जो जो lumpy skin disease को prevent कर सकता है। Quarantine infected animals, control biting insect, see implement strict biosecurity measures, all of the above, क्या measures ले सकते हैं ताकि हम इसको prevent कर सकें। तो question fifth का answer है all of the above, तीनों measures ठीक है। तो देखिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मल्टी लंपी सॉरी टू सॉरी
टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स. बायोसिक्योरिटी मेजर्स लगाने की बहुत जरूरत है, ठीक है, सच एज क्वारंटाइनिंग इन्फेक्टेड एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल को क्वारंटाइन कर देना. दूसरा, कंट्रोलिंग बाइटिंग इंसेक्ट, जो इंसेक्ट बाइट करते हैं उसको कंट्रोल करना, मतलब कि लाइक मच्छरदानी लगा देना जानवर को उसके अंदर रखना, ठीक है. इन एडिशन फार्मर शुड टेक स्टेप टू प्रिवेंट कॉन्टेक्ट बिटवीन द देयर लाइव स्टॉक. और फार्मर क्या करना चाहिए, जो भी उसका लाइव स्टॉक है उसको उस इन्फेक्टेड एनिमल से बचा के रखना. द अदर पोटेंशियल इन्फेक्टेड एनिमल्स, और दूसरे जो लगता है कि हाँ ये एनिमल इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल इन्फेक्शन होने की, तो उसको दूर रखना. वैक्सीन कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट द डिजीज इज ससेप्टिबल एनिमल. जो भी अति संवेदनशील एनिमल है, ठीक है ना, उनको उससे दूर रखना. क्वेश्चन 6 कहता है, व्हाट इज लंपी स्किन डिजीज. लंपी स्किन डिजीज क्या है, अभी हमने देखा हुआ है, एक बार फिर देख लेते हैं. ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है. अ वायरल डिजीज इफेक्टिव ह्यूमन, अ बैक्टीरियल डिजीज इफेक्टिव लाइफ स्टॉक, अ वायरल डिजीज इफेक्टिव लाइफ स्टॉक, अ फंगल डिजीज इफेक्टिव प्लांट. अच्छा, क्वेश्चन घुमा के आया हुआ ये वाला, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो एक वायरल डिजीज जो इफेक्टिव लाइफ स्टॉक को इफेक्ट करता है, ठीक है, जो फार्मर के. लंपी स्किन डिजीज इज हाईली कॉन्टेजियस, जो कि फैलने वाली बीमारी है. डिजीज इफेक्टिव कैटल को इफेक्ट करता है, बफेलो को इफेक्ट करता है, और रूमिनेंट्स को इफेक्ट करता है, जो भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनको इफेक्ट करता है. इट इज कॉज बाय द ISD, जस्ट अ मिनट, LSD वायरस के द्वारा. ये कारण है इसका, विच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉक्स वायरेड, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन क्या है समझ आ लेगी, तो यही है, ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ट्रांसमिशन इज नॉट एसोसिएटेड विद लंपी स्किन डिजीज, ठीक है. पहला कहता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, मॉस्किटो बाइट्स, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट और फैसिलिटीज, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है. कौन सा ट्रांसमिटेड नहीं है, आप बता रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है. अगर आपने पहले क्वेश्चन देखे हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे. तो जो इन्फेक्टेड, जो कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और खाते, इससे कोई नहीं फैलता है. देखिए, लंपी स्किन डिजीज इज द प्राइमरी ट्रांसमिट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल. अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आओगे तो ये फैलेगा. ऑल दो इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिट थ्रू द मॉस्किटो बाइट, और जो मच्छर काटते हैं उनसे ही फैल सकता है. कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट और फैसिलिटीज, जो इक्विपमेंट वहाँ इन्फेक्टेड एनिमल में यूज़ किए गए हैं उससे ही फैल सकता है. लेकिन कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेट फूड एंड वाटर इज नॉट नॉन फॉर मोड फॉर ट्रांसमिशन. और ये पता चला कि जो कंजप्शन करेंगे उस कंटेमिनेट फूड और वाटर का, उससे कोई ट्रांसमिशन का भी मोड पाया नहीं गया, ठीक है. क्वेश्चन 8 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद द लंपी स्किन डिजीज. कौन सा सिम्टम जो है लंपी स्किन डिजीज से एसोसिएट नहीं करता है. पहला कहता है फीवर, बी लॉस ऑफ एपिटाइट, सी रेस्पिरेटरी डिजीज, डी स्किन नोडल्स और लम्स. अगर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं. अब दो चार क्वेश्चन और रह गए होंगे. रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब ये नहीं होता, सांस की जो बीमारी होती है ये नहीं होता है. देखिए, लंपी स्किन डिजीज प्राइमरी इफेक्ट द स्किन, स्किन को इफेक्ट करता है, कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ नोडल्स और लम्स जो कि गांठ बना देता है. फीवर बुखार आता है, और लॉस ऑफ एपिटाइट भूख की कमी होती है. रेस्पिरेटरी डिजीज इज नॉट अ नॉन सिम्टम, ठीक है. रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं माना जाता इसका. क्वेश्चन नाइन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड नॉट रिपोर्टेड केस ऑफ लंपी स्किन डिजीज. कौन सी कंट्री रिपोर्ट नहीं हुई, तो भारत में भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में तो इसका जन्म हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है. कहाँ नहीं हुआ है तो देखते हैं इसका आंसर. तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी बचा हुआ है, ठीक है. लंपी स्किन डिजीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी कंट्रीज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, एज वेल एज इन पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में भी, और साउथ अफ्रीका में. ऑस्ट्रेलिया अभी तक सेफ है, ठीक है. क्वेश्चन 10 कहता है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज. वैक्सीनेशन, क्वारंटाइन, एंटीबायोटिक्स, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है. तो वैक्सीन है जो इसको कंट्रोल कर सकता है पूरे को. वैक्सीन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज. देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बात करी है. द एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टेड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. एंटीबायोटिक जो है वायरल इन्फेक्शन को इफेक्ट नहीं करता, प्रिवेंट करता सिर्फ. क्वारंटाइन स्टेरिलाइजेशन कैन ऑल्सो हेल्प. क्वारंटाइन मतलब अलग कर देना, स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी कर देना, जो कि डिजीज को फैलने से बचा सकता है.
क्वेश्चन 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू लंपी स्किन डिजीज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, चारों ऑर्गेनाइजेशन देखकर, तो कौन सी कर देखती है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ देखती है, OIE देखती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टू लंपी स्किन डिजीज से एज वेल एज अदर एनिमल डिजीज। जो भी एनिमल की डिजीज होती है वो यही देखता है OIE। द OIE वर्क क्लोजली विद द नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है और मॉनिटर करती है डिजीज पे। 12 क्वेश्चन कहता है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंपी स्किन डिजीज इज प्रेगनेंट काउ? मिसकैरेज, प्री मेच्योर, स्टिल बर्थ, ऑल ऑफ द अबव। स्टिल बर्थ मतलब पेट में बच्चा मर जाना ना, सॉरी स्टिल बर्थ देखते क्या है, हाँ स्टिल बर्थ का मतलब यही है शायद। लंपी स्किन डिजीज कैन कॉज अ रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंट काउ इंक्लूडिंग मिसकैरेज, प्री मेच्योर लेबर, स्टिल बर्थ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर प्रेगनेंट काउ क्लोजली एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट केयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेगनेंट काउज है उनका ज़्यादा ध्यान देख रखा जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको 12 क्वेश्चन तो 12 पॉइंट पता चले होंगे इस टॉपिक के। अगर आप पूरी एक्सप्लेनेशन भी ना देखूँ तो आपको 12 पॉइंट पता चले होंगे, तो 12 में से कोई ना कोई जरूर पॉइंट फंसेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और भी करंट अफेयर सॉल्व करें तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ हमने आज के करंट अफेयर सॉल्व कर दिए, क्वेश्चंस डाल दिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।